हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप यहाँ पर हैं प्रमाण मैथ्स में। स्टूडेंट, यदि आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख नहीं रहा बट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही, तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? लेट्स स्टार्ट। हमें सॉल्व फॉर एक्स करना है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्स वेरिएबल एक तरफ रख लीजिए, यहाँ पर भी एक्स है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1/x, और ये सब दोनों टर्म आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। आप इस तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम इसको यही रखते हैं, 1/a + 1/b = 0। चलिए क्या करें, एलसीएम इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं, x (x-a-b) + इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं ab। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -(x-a, x-b). इसको एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, a + b = 0, भूलना मत। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा, x - x, सारे साइन चेंज, +a + b अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, x² - (a + b)x। इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना, मैंने x की मल्टीप्लाई की है x² के साथ, माइनस कॉमन लेके a + b, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, क्योंकि हमें सॉल्व x के लिए करना है तो वेरिएबल x लेकर चल रहे हैं और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ab, तो इस कांस्टेंट को मैंने x वेरिएबल के साथ लिखा, +a + b (ab = 0। स्टूडेंट, मैंने यहाँ से कैंसिल आउट किया, a + b लेफ्ट आउट, यहाँ हुआ x² - a + b (x). अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, -a + b / ab। जब भी इक्वल टू के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में एक जैसी टर्म होती हैं, जैसे 2 = 2, वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो ये a + b है, ये भी a + b है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया 1/x² - a + b (x) = 1/ab, माइनस साइन भूल मत जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 × ab = ab - x² + a + b (x). क्या ये स्टेप समझ में आया, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? देखो, 1 की मल्टीप्लाई ab के साथ और माइनस की मल्टीप्लाई x² के साथ, माइनस की ही मल्टीप्लाई -a + b के साथ, तो प्लस हो गया। चलिए अब इस सारी टर्म देखो, क्वाड्रेटिक दिख रही है ना आपको, ये x² की टर्म आ गई, ये x वेरिएबल की टर्म आ गई, ये कांस्टेंट की, तो हम x हमेशा पता है x² पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप शिफ्ट कर सकते हो इधर x², ये शिफ्ट होगा तो -a + b (x), दिस इज +ab = 0। हमेशा याद रखना है = 0 जरूर होगा, तो ये सारी की सारी टर्म इधर शिफ्ट हुई। चलिए स्टूडेंट, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था जब हमने ये वाली वीडियो की थी, d > 0 वाली वीडियो की थी, वहाँ पे हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट, हम d फाइंड आउट करते हैं, दैट इज b² - 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। b कहाँ से आता है, जब हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जर्नल क्वाड्रेटिक, ये क्या है हमारी, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ x² का कोफिशियंट ए, x² का कोफिशियंट 1, x का कोफिशियंट बी, और यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, -a + b, कोफिशियंट कंपेयर कर रहे हैं, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, ab। आपने ये ABC इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए पुट करते हैं, D की वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - a + b² - 4 × a की जगह 1 और C की जगह क्या है स्टूडेंट, AB। चलिए D की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर a + b² आइडेंटिटी वाली वीडियो कल भी अपलोड की थी, आपने सबने देखी होगी, a + b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, -4ab। ओपन करते हैं आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab - 4ab। स्टूडेंट ये सेम वेरिएबल के साथ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a² + b² - 2ab।
सेम अगेन, कल वाली वीडियो जरूर देखना यदि नहीं देखा, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज डी, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और हमें दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे, स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, किया था ना ये स्टूडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो रूट्स का फॉर्मूला, बच्चे रूट्स का फॉर्मूला बताया था आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए। स्टूडेंट क्या सॉल्व करेंगे, बी की जगह वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ ए प्लस बी, माइनस तो साइन इसके साथ है, बी की वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। प्लस माइनस का मतलब स्टूडेंट एक बार प्लस के अंदर आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में 2a, a कितना है 1 ही है तो 2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस a प्लस बी, क्योंकि ये कहाँ से आया, b की वैल्यू माइनस a प्लस बी, प्लस हो चुका है, अब क्या आएगा माइनस, अब स्टूडेंट क्या आएगा माइनस रूट a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया, d की वैल्यू भी फाइंड आउट की अपॉन 2। तो क्या स्टूडेंट हम यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्टूडेंट देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर है माइनस, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू चल रही है, एक्स के 1, 2 क्यों लिखा है स्टूडेंट, दो रूट होंगे, दो रूट क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम 1, 2 लिख रहे हैं, दो 1, 2 पहला रूट और दूसरा रूट। चलिए ब्रैकेट ओपन हो गई, माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस, बेटा स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपका ये स्क्वायर रूट इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा ए माइनस बी अपॉन में 2 एज इट इज। सेकेंड को भी ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस इस 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, बट ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, b से b कैंसिल हुआ, 2a अपॉन 2, इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये गलती नहीं करना, साइन का बहुत ध्यान रखना है, ये कैंसिल आउट हुआ और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दोनों रूट क्या क्या हो गए, एक रूट आ गया a, एक रूट आ गया b। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रही हूँ, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा। क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है फॉर एक्स, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी करवाया है सेम वही क्वेश्चन होगा। होप आपने ये बहुत अच्छे से समझा है क्वेश्चन, तो आप इसको भी बहुत आराम से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बिना किसी एरर के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए इजी वे से समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करने के लिए प्रमाण मैथ्स के साथ जुड़े रहना। प्रमाण मैथ्स के साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं आप सारे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इजी वे से सीख पाएंगे। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, एनवायरनमेंट को सेफ रखना और खूब सारा मन लगाकर पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।